नमस्कार दोस्तों, आज हम जो पिछले अध्याय में हमने सामग्री नियंत्रण के लिए कौन कौन से स्तर होने चाहिए, किस प्रकार से गोदाम में सामग्री को क्रय करके मंगाना चाहिए, रखना चाहिए और किस स्तर पर अपन को पुनः आदेश देना चाहिए, उसके जो सूत्र होते हैं वो पढ़े थे। आज हम उसका प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बारे में ज्ञात करने के तरीके पढ़ेंगे। तो अपने पास एक रजिस्ट्रेशन है, उसमें ये कहता है ए और बी प्रकार के सामग्री के प्रत्येक सप्ताह में निम्न प्रकार से कार्य में ली जाती है। जो दो प्रकार की सामग्री है वो इस प्रकार से कार्य में ली जाती है, ए और बी प्रकार की, उसका निर्माण उद्देश्य, पचास यूनिट पर वीक, 50 यूनिट पर वीक, मिनिमम यूजेज, मिनिमम यूजेज 25 यूनिट पर वीक और मैक्सिमम यूजेज है पर वीक 75 यूनिट्स पर वीक। आगे ये कहता है डिओडर मात्रा, डिओडर जो क्वांटिटी है, डिओडर क्वांटिटी है ए के लिए है वो है 300 यूनिट और बी के लिए है वो है 500 यूनिट्स और री ऑर्डर पीरियड है अपना वो है एक का है 4 से 6 वीक 4 to 6 weeks और बी के लिए है वो है 2 से 4 वीक। अपन को ज्ञात करना है इसका क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल, दूसरा याद करना है मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, तीसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल और चौथा एवरेज। सभी के जो फार्मूले बनाएंगे, सबसे पहले अपन फार्मूले लिखते हैं किसका क्या फार्मूला अपन ने लिखा है। तो रिओर्डर लेवल का फार्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो दो प्रकार की सामग्री है ए और बी, तो सबसे पहले ए का निकालते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट है ए की 75, बी की भी 75 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ए के लिए ये मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दे रहा है 4 से 6 वीक तो मैक्सिमम हो गया अधिकतम 6 वीक और बी का है मैक्सिमम 4 वीक तो इसका हो गया 450 यूनिट और इसकी हो गई है 300 यूनिट। अपना रीऑर्डर लेवल रहेगा जहां अपन को पुनः आदेश करना है कि माल को मंगाना है, मंगाना कितने यूनिट है, लीवर क्वांटिटी 300 और 500। दूसरा सूत्र अपना क्या है, दूसरे का सूत्र है अपना जो मिनिमम स्टॉक लेवल है उसका सूत्र है अपना रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट
into normal reorder period. तो A का reorder level कितना है? A का reorder level हमने ज्ञात कर लिया है, A का है reorder level 450 और B का है वो है 300 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन है, एक प्रकार से एवरेज रहता है दोनों की 50-50 यूनिट है और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 4 से 6 भागो 10 भागो 5 और इसका 2 4 6 3 तो ए का 450 माइनस 250 बराबर 200 यूनिट और बी का 300 माइनस 150 बराबर 150 यूनिट अपना मिनिमम स्टोर लेवल रहेगा। इसके बाद में तीसरा अपन मैक्सिमम स्टोर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला बराबर मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए क्या फार्मूला है अपना? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट बंद माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल ए और बी का क्या दे रखा है? ए का दे रखा है रीऑर्डर क्वांटिटी 300 और बी की दे रखी है 500 प्लस रीऑर्डर लेवल अपन ने ज्ञात किया था 450 प्लस 300 ब्रैकेट बंद माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम कंजम्पशन रेट दोनों की सेम है 25 यूनिट और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इसका 4 वीक है और इसका 2 वीक। तो 400 इसको सॉल्व करते हैं आगे अपन 750 माइनस 100 और 800 माइनस 50 इसका हो गया 650 यूनिट ए का और बी का हो गया 750 यूनिट। इस प्रकार से अपन अलग अलग रूप से मैक्सिमम लेवल ज्ञात कर सकते हैं। अब आखिरी में अपना एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। तो ए का ज्ञात कर लेते हैं अपन, बी का उसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल ए का है 200 यूनिट और मैक्सिमम स्टॉक लेवल ए का है वो है 750 यूनिट भाग 2 850 भाग 2 बराबर 425 यूनिट। इस प्रकार से अपन किसी भी भंडार शाखा का स्टॉक लेवल ज्ञात कर सकते हैं कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए और रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए। इस प्रकार से आगे अब जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो एक प्रकार से आर्थिक आगे मात्रा होती है, उसको ज्ञात करने के लिए इसलिए आवश्यक है, आर्थिक आदेश मात्रा को ज्ञात करना इसलिए आवश्यक है कि वह आदेश मात्रा जिसका अपन को आदेश करना है, जिस पर
उसकी न्यूनतम कुल लागत न्यूनतम हो सके, मतलब उसको परचेज करने की प्लस उसको ट्रांसपोर्ट एंड उसका भंडारण का जो भी खर्चा है वो कुल मिला के सभी लागतें सबसे न्यूनतम हो, वही अपनी आर्थिक आदेश मात्रा होती है, योग्य रीऑर्डर क्वांटिटी होती है। ईओ को ज्ञात करने का फार्मूला है आर्थिक आदेश मात्रा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको अपन पाई का सिंबल होता है जिससे प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला है टू सी ओ अपॉन यू आर, दो का मतलब दो, सी का मतलब एनुअल कंजम्पशन की वार्षिक उपभोग क्या है, ओ का मतलब पर ऑर्डर कॉस्ट और यू आई का मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट। इस प्रकार से अपन उस वस्तु की या उस कच्चे माल की अपन रीऑर्डर क्वांटिटी ज्ञात कर सकते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी ज्ञात करने का फायदा यही होगा कि अपनी जो कुल लागत है वह न्यूनतम रहेगी, कि अपन को ट्रांसपोर्टेशन लागत भी कम से कम हो, भंडारण लागत भी कम से कम हो, और वस्तु को परचेज करने पर जो उसके प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं उसका भी असर कम से कम रहे। तो अपन इसको ज्ञात करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन शोर कर लेते हैं। एक रेफ्रिजरेटर निर्माता कंपनी है जो कोई वस्तु की 1600 इकाइयां एम से क्रय करती है, कोई वस्तु है उसके 1600 इकाइयां एम से क्रय करती है, उसका वार्षिक उपभोग 1600 इकाइयों का है। आर्थिक आदेश मात्रा लागत प्रति आदेश 100 रुपए है और एक वर्ष में एक इकाई के संग्रहण पर वह जो इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट है वह 8 रुपये, प्रति आदेश मात्रा की परिकल्पना कीजिए उसको जानिए। तो एनुअल कंजम्पशन कितना है उसका 1600 यूनिट, पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है 100 रुपये और पर इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है उसकी 8 रुपये। तो अपन याद कर लेंगे ईओ क्यू बराबर टू एनुअल कंजम्पशन 1600 पर ऑर्डर कॉस्ट 100 रुपये डिवाइड बाय ए 16×32 40,000 का लगभग हो जाएगा 200 उसकी आर्थिक आदेश मात्रा रहेगी 200 यूनिट। अगर वह आदेश करता है तो उसकी लागत न्यूनतम रहेगी क्रय की, भंडारण और पर ऑर्डर कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट। इसी प्रकार से चाहे तो अपन दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें यह कहता है कि किसी माल को जो सूचनाएं दी गई है वो इस प्रकार से है, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज पर ऑर्डर 40 रुपये है, परचेजिंग ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट है, परचेजिंग प्राइस 100 रुपये प्रति यूनिट है, स्टोरेज 5 रुपये पर यूनिट अपनी स्टोरेज की कॉस्ट आती है। तो क्या क्या चीजें दी है अपन को इसने, ईयरली कंजम्पशन अपना दे दिया इसने 10,000 यूनिट और ईयरली कंजम्पशन के अलावा परचेजिंग कॉस्ट 100 रुपये पर यूनिट है, पर यूनिट कॉस्ट 100 रुपये हो गई, स्टोरेज कॉस्ट 5 रुपये, स्टोरेज कॉस्ट 5 रुपये और पर ऑर्डर कॉस्ट है अपनी जो है वह 40 रुपये पर ऑर्डर कॉस्ट अपनी आती है। तो उसकी आपके आदेश मात्रा क्या होगी, तो 2×10,000×40/5
400 पर ऑर्डर अपन को मंगाना है, री ऑर्डर टेबल क्वांटिटी अपनी 400 यूनिट रहेगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आए नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको जो स्टोर टेजर है उसमें किस प्रकार से एंट्री करते हैं, जो भी भंडारण शाखा में कच्चा माल रहता है, सामग्री रहती है, उसका भंडारण का लेखा स्टोर टेजर में किस प्रकार से करते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।